हमने इसे स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन इसे स्टॉप कैसे करना है? अब पता नहीं विवान, मैं भी वही सोच रहा हूँ। भैया जल्दी सोचिए, वरना हम दीवार पे पोस्टर की तरह चिपक जाएंगे। ओ मोंटे भैया, इसको चलाना भी होता है। अरे इसका पैर रखो। हाँ, एक पैर नीचे, अभी ऐसे। विमान, लगता है हम दीवार से नहीं, इन दोनों से टकराने वाले हैं। अरे ये लोग भी दीवार से कम है क्या? मोंटू भैया वो देखो, ये विमान और दीपू भैया हैंडल पकड़कर हवा में किसी उड़ रहे हैं। अरे हटो हटो, सामने से हटो। अरे हटो ना मोंटू भैया। अरे चिंटू तुम उठो ना। ए, तुम दोनों देख क्या रहे हो? हाथ दो, हाथ दो ना। मोंटू भैया उठो, हाथ दो। ये जादुई चीज है ना, इसे ही पकड़ कर तुम दोनों उड़ रहे थे ना। खा गए ना, धोखा खा गए। देखो विवान, ये लोग भी धोखा खा गए। धोखा खा गए। देवो भैया, हम सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन कभी धोखा नहीं खा सकते। अरे ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये तो लंदन से स्पेशल गिफ्ट है हमारे लिए। हाँ यहाँ पे नहीं मिलता ये, है ना विवान? हाँ हाँ कुछ। अरे पूरी दुनिया मार्स पे पहुंच गई है, और तुम लोग कभी भी एक सेंचुरी पुराना स्केट बोर्ड यूज कर रहे हो। चलो विवान चलते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं। चलो चिंटू, भारत दगल में मेरे मुंह में लड्डू जाने से पहले कोई एक लड्डू नहीं खा सकता, और इन दोनों ने उड़ने वाला स्केटर लिया, वो भी हमसे पहले। वैसे मोंटू भैया, आपको लड्डू देने से पहले एक दो लड्डू मैं खा ही जाता हूँ। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि अभी हमें भी उनके जैसा उड़ने वाला स्केटर लेना होगा। लेना होगा नहीं चिंटू, उनका ही लेंगे। बिल्कुल सही टाइम पे आए हो तुम दोनों, मैं तुम दोनों को आवाज देने ही वाली थी। देखो क्या क्या बनाया है मैंने, मटर पनीर और कढ़ी। चल 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 चल, ला विवान, बोला बोलो। नहीं सुनो, मैंने सिर्फ खाना दिखाया है, खाने को नहीं खाया। लेकिन माँ इसमें कहने की कौन सी बात है, खाना तो खाने के लिए ही होता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे ही जैसे तेरे कान खींचने के लिए होते हैं। अब खाना तुम दोनों को तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम दोनों मुझे ये नहीं बताओगे कि पिछले 24 घंटों से तुम दोनों कहाँ थे। पूरे विसर्जन में नहीं दिखे हो तुम दोनों। फंस गए भैया, अब माँ को क्या बोले? फंस गए विवान, अब माँ को क्या बोले? मैजिक के साथ टेलीपैथी का कनेक्शन भी कट हो गया हमारा। लगता है जादू शक्तियों के जाने से हमारे अंतर्मन से बात करने की शक्ति भी चली गई। क्या एक दूसरे को क्या देख रहे हो? हाँ चलो अब डिटेल में मुझे बताओ कि कहाँ गए थे। चने ने माँ की ये वाली बात की यादाश्त क्यों नहीं मिटाई? फंस गए ना। हेलो, हो गई खुसर पुसर? अब जवाब दो, बोलो। कुछ नहीं माँ, वो विवान, विवान बताएगा आपको, बता विवान। मैं क्या बताऊँ? अरे बता ना, अभी जो खुसर पुसर की वही बता। भैया अभी जो खुसर पुसर आपने सुनी है, आप वो बता दीजिए। नहीं विवान, तुम बताओ ना पहले। अरे नहीं भैया, बड़े हो ना, और बड़े की बात तो हमेशा सच होती है ना माँ, है ना? नहीं विवान तू बता। नहीं भैया, पहले आप। विवान पहले तुम बताओ ना, बताओ। भैया पहले आप। अरे बोलो, नहीं सुनो, ये क्या पहले आप पहले तुम लगा रखा है? तुम दोनों को मेरी कसम है,
सच सच बताओ कहाँ थे अब। अरे मेहमान, माँ ने तो कसम दे दी, अब तो सच बताना ही पड़ेगा। माँ, वो एक्चुअली हम रावण दहन करने गए थे। क्या? सही कह रही है। वो भारत नगर के साथ साथ कॉलेज में भी विजयदशमी सेलिब्रेट हो रही थी और वहीं इन्होंने रावण का दहन भी किया। राइट देवी? हाँ राइट राइट, रे सही कह रहा है मैं। अच्छा तो पहले बताना था ना, खामखा इतनी देर भूखा रहना पड़ा। चलो जल्दी से खाना खा लो और रे तुम भी आओ ना खाना खाने के लिए। ऑफ कोर्स आंटी, इतनी तारीफ सुनी आपके हाथ के टेस्टी खाने की, तो फिर ये मौका मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। आओ। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, आओ बैठो ना, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैं तब तक खुशी को बुलाकर लेकर आती हूँ। तो क्या करते तुम? मेरा इंतजार कर रहे थे। वैसे कहते हैं कि मेरी कहीं भी पहुंचने की टाइमिंग एकदम परफेक्ट होती है। वैसे रे, हर जगह तुम ऐसे ही बिन बुलाए मेहमान मदद करने पहुंच जाते हो, या फिर आज कुछ स्पेशल है? स्पेशल तो तुम और विवान हो। यहाँ भारत नगर में लोगों की कितनी हेल्प करते हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी तुम्हें आंटी की डर से बचाकर तुम्हारी हेल्प कर दूँ। वाह नाइस ऑफ यू, खुशी हुई जानकर कि तुम दूसरों की हेल्प भी करते हो। और जो मेरी हेल्प करते हैं मैं उन्हें थैंक यू भी बोलता हूँ। वैसे गए कहाँ थे तुम दोनों जो आंटी से छुपाना पड़ा? क्या गर्लफ्रेंड से मिलने गए थे? नहीं, हम रावण दहन ही करने गए थे, लेकिन गोकुल नगर। आई बिलीव दैट कि अपने दोस्तों से चाहे थोड़ा दूर रहो, लेकिन अपने दुश्मनों से हमेशा क्लोज रहो। सही मानना है तुम्हारा। तो तुम यहाँ पे हमारे दोस्त बन के आए हो या फिर दुश्मन? ऑफ कोर्स दोस्त बन के आया हूँ। अरे आज ये भैया भी आए हमारे साथ लंच करने? वॉश बेसिन किधर है? उधर। थैंक यू। कमॉन बालवीर्स, दिखाओ अपना मैजिक और करो सेव अपनी सिस्टर को। खुशी? दीदी, खुशी क्या हुआ? खुशी क्या हुआ? ये तो कंफर्म हो गया कि इनके पास कोई शक्तियां नहीं है। हाँ? वाह, गिर गई खुशी। कैसे गिर गई तू? मम्मी पानी पे मेरा पैर फिसल गया। खुशी तुम ठीक तो हो ना? लगी तो नहीं ना? नहीं। विकेट नॉट माँ, दीदी बिल्कुल ठीक है। और देखना अभी थोड़ी देर में मेरे पीछे भागने लगेगी। अच्छा अच्छा ठीक है, आराम से आजा। अच्छा आराम से दीदी, आराम से। ऑसम मिस्टर बी, मुझे डाउट तो था ही, लेकिन अब कंफर्म हो गया है। रेल से टिकट काट के आए हो क्या? जो वेटिंग से कंफर्म हो गई है। टिकट तो अपन दोनों बालवीर की कटेगी। बिकॉज द गुड न्यूज इज, जिस तरह से मेरी मैजिकल पावर्स जा चुकी है, ठीक उसी तरह उन दोनों बालवीर की भी मैजिकल पावर्स छिन चुकी है। आ, आ।
तुम्हारे पास भी तो जादुई शक्तियां नहीं है, फिर करने से क्या होगा? नहीं नहीं ऐसा मैं नहीं, आप बोलेंगे स्वामी। मेरे पास मैजिकल पावर्स नहीं है तो क्या हुआ? We have Lady Birba, the most amazing inventor. बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। सही कहा तुमने, बालवीर के पास भी शक्तियां ना होने से तुम्हारी और उनकी ताकत एक बराबर है, लेकिन ऐसे में हमारे पास बिरबा है जो एडवांटेज मेरे पास है, और इस बार विनिंग पोजीशन पे भी हम है मिस्टर बी। लेडी बिरबा, इस बार हमारी विनिंग के लिए कोई ऐसा डिवाइस बनाई है अगले 24 घंटे उन दोनों पावरलेस बालवीर और भारत नगर के लिए। आखिरी 24 घंटे बन जाए। अरे दीदी, ये क्या है तुम्हारे हाथ में विवान? ये बाम है दीदी। क्यों? अब आपके लिए, इतनी भारी बोरी उठाने के बाद आपको इसकी जरूरत तो पड़ेगी ना। वाह, हम तो फ्यूचर भी देख सकते हो। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं कोई फ्यूचर नहीं देख सकता, लेकिन प्रेजेंट जरूर देख सकता हूँ। अभी जो आपके पसीने छूट रहे हैं ना, उसे देख के सब पता चल रहा है कि आपके घर पहुँचते पहुँचते तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। वैसे ये बाम खुशी दीदी के लिए। विवान, क्या हो तुम? स्मार्ट हूँ, हैंडसम हूँ, लेफ्ट प्रोफाइल से सलमान हूँ, तो राइट प्रोफाइल से थोड़ा क्यूट भी हूँ। बिल्कुल ही पत्थर दिल हो तुम। मैजिक से नहीं ठीक कर सकते थे खुशी को? अरे दीदी, आप क्यों दुखते रख पे अपना पैर रख रहे? मैंने कब पैर रखा? अरे दीदी, आपको नहीं पता है? मुझे सब पता है। एक बहन के तो काम आ नहीं पाए, दूसरी के तो आ जाओ। प्लीज प्लीज प्लीज, ये बोरी मेरे घर तक रखवाने में मेरी हेल्प कर दो। अच्छा, मतलब सिर्फ ये बोरी आपके घर तक पहुँचानी ना? ठीक है, ये लीजिए, ये पकड़िए और दीजिए। अरे 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 अरे, वाह अनन्या, वाह। थैंक यू अंकल। अरे डांट रहा हूँ, शाबाशी नहीं दे रहा हूँ, बच्चे से बोरी उठवा रही हो, वेरी बैड। अब मैंने तो कहा ही था इससे कि मैजिक से कर दे। मैजिक से उठा ले मतलब? ये कोई सुपर हीरो थोड़े ही है, ये तो मामूली सा बच्चा ही। मामूली मामूली, अगर मैजिक होता तो। होता तो है तो नहीं ने? वही दो, वही तो मैं अनन्या दीदी को समझाना चाहता हूँ, पर कैसे समझाऊं? रे वादे, मैं हूँ ने, मैं मदद कर देता हूँ। खाम खाम में बुरा बना दिया तुमने मुझे। ये लो ना बाप। अरे दीदी, मुझे कौन सी 5-स्टार रेटिंग मिली है छेड़ा अंकल से? लेकिन मैं आपको कैसे बताऊं दीदी कि मेरे पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है। अरे वाह, बिना मैजिक के विमान भी तुम्हारी तरह हीरो नहीं, बड़ा सा जीरो है। समय नहीं बोल रहा। हेलो आरके केमिकल्स, मेरा एक ऑर्डर है, लिख लीजिए। भैया, आप ये स्टिक के साथ क्या कर रहे हो? अरे चिड़िया उड़ा रहा हूँ। चिड़िया? चिड़िया क्यों? विवान, सॉरी विवान, सॉरी। भैया, अरे विवान, वो माँ ने कपड़े सुखाए थे बाहर, उसमें से शॉल ये झाड़ पे आके अटक गई, वही निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। भैया, मैजिक के बिना तो एक दिन ऐसा लग रहा है जैसे बिना इंटरनेट का स्मार्टफोन। अब खुशी दीदी को भी ये बाम लगाना पड़ रहा है और अनन्या दीदी भी मुंह फुला के बैठी है। अब समझ में आया ना कि असली सुपर हीरो आम आदमी होता है, जैसे हमारी माँ, बिना किसी शिकायत के चेहरे पर मुस्कान के साथ हर छोटा बड़ा काम कर लेती है, शक्तियाँ ना होते हुए भी। समझ गया भैया, लेकिन अब आपकी ये छोटी सी लकड़ी तो माँ के शॉल तक पहुंचेगी नहीं, सो मैं अपनी ओल्ड ट्रिक यूज करूंगा विदाउट मैजिक। ओल्ड ट्रिक मतलब? भैया, मैं मैजिक ही करूंगा लेकिन विवान स्टाइल में। अरे
अरे विवान आराम से, किसी को लग ना जाए। भैया फिकर नॉट, जस्ट चल। अरे कितने कांच तोड़ा भैया, मेरी ओल्ड ट्रिक की वजह से तो न्यू प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब इससे बचने के लिए मेरी दूसरी ओल्ड ट्रिक यूज करते हैं। दूसरी ट्रिक मतलब? जब भी आपको कोई प्रॉब्लम सामने आते हुए दिखे, भागिए और छुपिए भैया। अरे, अरे विमान पर भैया, छुपिए छुपिए छुपिए। अरे किसने कांच तोड़ा, कौन है, कहाँ है? भैया आप भाग क्यों रहे हो? अब हम माँ की शॉल कैसे निकालेंगे? अरे विवान चिल, ये प्रॉब्लम एक है और हम दो, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें भी दो से एक होना पड़ेगा। मतलब कहाँ रह गया डिलीवरी बॉय? डिलीवरी बॉय कुछ मंगवाए? अरे छोले भटूरे, जलेबी फाफड़ा मंगा मंगा, बड़ी भूख लगी है। मुझे तो सिर्फ बालवीर और उसको प्यार करने वालों को खत्म करने की भूख है। ले एक तरफ बोलते हो कि दिर्भाग के आविष्कार से कुछ बनाओगे और दूसरी तरफ पता नहीं क्या ऑर्डर किया है। अरे ऑर्डर क्या किया है? मैंने एक स्पेशल केमिकल मंगवाया है जो मैं बिरबा के इन्वेंशन के साथ मिलाकर लैंडमाइंस बनाऊंगा। लैंडमाइंस? लैंडमाइन? ये लैंडमाइन होता क्या है? सब बताता हूँ। दिस इज माइन, मेरा ही। आप कौन? वही जिसने ऑर्डर किया। आपका नाम करुणा है? तुमने बताया नहीं, तुमने अपना नाम बदल लिया। वो भी लेडीज वाला। क्या बकवास कर रहे हो? देखो इसमें मेरा नाम लिखा होगा। अरे सर, इस पार्सल पे ऑर्डर करने वाले का नाम करुणा जी लिखा है, इसलिए मैं चेक कर रहा था। ए, क्या चेक कर रहा था? तुम्हें क्या ये बेवकूफ लगता है? ये बेवकूफ नहीं है। इन्होंने बोला ना ये यहाँ पे कोई करुणा जी नहीं रहती है। चलो निकलो यहाँ से। बात कर दे तुमने करुणा करुणा करुणा। क्या? हाँ, चलो एक बुरा काम तो कर लिया मैंने, पालियों का सामान वापस भेज दिया मैंने। निकला? हाँ बस ऑलमोस्ट निकल रहा है। हाँ निकल गया। ये हुई ना बात। ये बात। देखा विमान, हमारे पास मैजिक हो या ना, फिर प्रॉब्लम चाहे छोटी हो या बड़ी हो, हम दोनों साथ होंगे तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही लेंगे। तो अब मेन बात कर ले। क्या? शिंकाई के दुश्मनों को नहीं पता कि हमारे पास कल तक जादू शक्तियां नहीं है। कहीं इस बात का फायदा उठाकर वो हमारे लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश ना करे। भैया तो हमें और भी अलर्ट रहना चाहिए और उनके ऊपर नजर रखनी चाहिए। राइट विवान, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इंतजाम कर लिया है मैंने। फिर से आ गया? मैंने कहा यहाँ कोई करुणा जी नहीं रहती। करुणा जी? करुणा? अब तो ये हमारा पार्सल है, लाइए दीजिए। लेकिन ये करुणा कौन है? हमारी माँ है, लाइए। लेकिन ये ऑर्डर तो करुणा जी के नाम पर नहीं है, लाइए वापस दीजिए। अरे तो अरे पान वाला तो बोल रहा था करुणा जी यही रहती है। ओ तो वो पार्सल हमारा है। ये रेखा पार्सल है। ओ एंड मेरा पार्सल उधर है। लाइक तुम बार बार मुझसे टकराते क्यों? तुम्हें अपने बराबर का समझता हूं इसलिए। लेकिन तुम्हारा मुझसे टकराना खतरनाक हो सकता है। तुम्हारा ये जो पार्सल है वो टूट सकता था, उसे नुकसान पहुंच सकता था। ओके, नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर कि तुम दोबारा मुझसे कभी नहीं टकराओ। बेटर।
इस बॉक्स में मुझे लैंडमाइन बनाने का पूरा केमिकल मिल जाएगा। ये तो कोई बटन लग रहा है। ये तो करुणा जी का पार्सल है। पार्सल एक्सचेंज हो गया प्रिगेंसा। इसका मतलब हमारा पार्सल बालवीर के पास पहुंच गया। अरे लेकिन करुणा जी को बटन्स की क्या जरूरत पड़ गई? क्या फर्क पड़ता है करुणा जी इन बटन्स का कुछ भी करे, लेकिन इससे पहले कि बालवीर मेरा पार्सल खोले उसे वापस लेकर आना होगा। पार्सल पे नाम माँ का है लेकिन है हमारे लिए। लेकिन भैया आपने अपना नाम क्यों नहीं यूज किया? तो क्योंकि अगर मैं अपना नाम यूज करता तो हमारे दुश्मनों को पता चल जाता कि हम अपनी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं। ओह, लेकिन भैया आपने मंगवाया क्या है? स्पाई कैमरा। स्पाई कैमरा? मैंने बताया था ना कि शिंकाई के दुश्मनों पर नजर रखने के लिए हमें कोई ना कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी, इसलिए मैंने नॉर्मल कैमराज नहीं मंगाए, वरना किसी को भी शक हो सकता था। रुको, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.